Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। इसमें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से घर पर ही सिर्फ 10 रुपए में फेक नेल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको इस तरह के नेल्स पसंद है तो अब आपको पार्लर जाकर ये फेक नेल्स लगवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप घर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। आपको जिस तरह से अपने नेल्स चाहिए आप उसी तरह से अपने नेल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बहुत ही इजीली आप ये कर पाएंगे, बस आपको कुछ मिनट्स लगेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेल्स को क्लीन करेंगे। तो आपने जो भी नेल पेंट लगाया हुआ है उसे सबसे पहले मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स छोटे ही हैं, तो मैं यहाँ पर इन्हें कट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपके नेल्स थोड़े से भी बड़े हैं तो आप इसे कट कर लीजिए। मेरे भी नेल्स थोड़े से बड़े हैं बट मैं यहाँ इन्हें कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो के लिए आप फेक नेल्स अप्लाई कर रही हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये नेल्स जो है वो परमानेंट नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये रिमूवर से नेल पेंट को रिमूव कर रही हूँ। हमें नेल्स को अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि जब हम ग्लू लगाएंगे तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी और इसके बाद हमें हैंड वॉश भी करना है, नेल्स को अच्छे से क्लीन भी करना है क्योंकि जो मैं रिमूवर यूज कर रही हूँ वो ऑयल बेस्ड है, तो अगर मैं इसके ऊपर स्टिक करूंगी तो वो अच्छे से स्टिक नहीं होंगे। तो बस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, हैंड वॉश भी कर लिया है, अब हम फेक नेल्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फेक नेल्स लिए हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के नेल्स मिल जाते हैं जो इजीली आपके नेल्स की शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, पर आपको यहाँ पर जो ये ग्लू मिलता है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो बेटर होगा कि आप कोई और ग्लू यूज करें। ये 2 से 3 घंटे तक आराम से चल जाता है, बट अगर आपको ज्यादा देर के लिए नेल्स को अप्लाई करके रखना है तो आप डेफिनेटली कोई और ग्लू ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये काफी सारे नेल्स मिल जाते हैं जो आप अपने नेल्स की शेप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे अप्लाई करूंगी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाने वाली हूँ और बस इसे हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सारे नेल्स अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप इन्हें किसी शेप में कट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली कट भी हो जाते हैं, बट मुझे इसी तरह पसंद है तो मैं इसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे नेल्स अप्लाई कर लिए हैं, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे। जो हमने ग्लू लगाया है वो 5 से 10 मिनट लेता है अच्छे से ड्राई होने में। तो ये देखिए अच्छे से ये स्टिक हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसे हमें अच्छे से ड्राई होने देना है, अगर ड्राई नहीं होंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, नेल्स इजीली निकल जाएंगे। तो अब मैं नेल्स को पेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला नेल पेंट लिया है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी अच्छा है, एनवाईबी का है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी पसंद का कोई भी नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। आप ग्लिटर शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ग्लिटर शेड्स कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए ये वाला वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर ये वाला शेड अप्लाई कर लूंगी सभी नेल्स पर। बहुत ही सुंदर शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि ये इजीली नेल पेंट में अप्लाई कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने नेल्स को अच्छे से ड्राई किया था। अगर नेल्स अच्छे से ड्राई नहीं होंगे तो ये निकल सकते हैं, तो इसीलिए आपको नेल पेंट लगाने से पहले इसे अच्छे से ड्राई करना है। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छा वाला ग्लू यूज करें क्योंकि ये ग्लू इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये 2 से 3 घंटे में रिमूव हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप घर पर ही इस तरह से फेक नेल्स अप्लाई करते हैं
तो आपके नेल्स खराब नहीं होते हैं। तो बस ये हमारे फेक नेल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप पार्लर्स में करवाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। कोई भी नहीं बता सकता कि आपने ये घर पर अप्लाई किए हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप भी इस तरह से ये जरूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।